बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है, एक मैंने बड़े साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, एक कप मैंने ऑयल लिया है, 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 प्याली मैंने फ्रेश क्रीम ली है, 1 प्याली मैंने दही लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है। चलें तो फिर शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन किया है, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है वो इसमें शामिल करेंगे और इसे हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो हमने ज़ीरा पाउडर लिया है वो शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हम सफ़ेद मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून हम काली मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे। इन सब मसालों को शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। इन सब मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। तीन मिनट तक इसे भूनने के बाद हम इसके अंदर जो हमने 1/2 केजी चिकन ली है वो इसमें शामिल कर देंगे। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन इसमें शामिल करने के बाद हम 5 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट गुजर गए इसे पकते हुए, अब हम इसे ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। चिकन हमारी तकरीबन गल गई है। अब हम इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल करेंगे। जो मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी उनमें से 4 हरी मिर्ची और जो 1 प्याली में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे शामिल करने के बाद हम इसे मज़ीद मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 प्याली दही शामिल करेंगे। और 1 प्याली फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। फ्रेश क्रीम और दही शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। हरा धनिया हरी मिर्ची शामिल करने के बाद हम इसे मज़ीद ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पांच मिनट हो गए इसे पकते हुए।
और ये हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। और हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बाउल में निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।